कुट्टी? हाँ माँ। फोन लगाया अंकित को? हाँ, पर उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की माँ। मैं दोबारा फोन ट्राई करती हूँ। हाँ। तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। कुट्टी मत टेंशन ले, घर आने दे, मना लेंगे उसे। अरे उसे तो मना लोगे, पर उसके बाप को कैसे मनाओगे? पता है ना, एक नंबर का अड़ियल है वो। एक बार अड़ जाए तो फिर हिलने का नाम नहीं लेता वो। ना ना, वो नहीं मानेगा ना। दादी, पापा मानेंगे इस बार, पक्का मानेंगे। मैं मनाऊंगी उन्हें। क्या पता, बाद में बात करता हूँ। अंकित, कहाँ था तू? हाँ, सुबह से कितना फोन लगाया तुझे। क्यों, क्या फर्क पड़ता है अंकित? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, हम सबको फिकर है तेरी। उस दिन की चोट कैसी है अब? मैं कैसा भी हूँ, मेरी चोट कैसी भी हो, क्या फर्क पड़ता है किसी को? और आप सब लोग ये ड्रामा करना बंद करो। अंकित, वेरी सॉरी, अब वेरी 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 सॉरी। आई नो ये सब मेरी वजह से हुआ है, और पापा ने सारा मेरा गुस्सा तुझ पर उतार दिया। मुझे माफ कर दे प्लीज। माफ? ये कोई नई बात नहीं है गुड्डी, इस घर में यही होता है। गलती तुम दोनों करती हो और मार मुझे पड़ती है। मेरी जिंदगी का तो मजाक बना के रख दिया है, सौतेला हूं मैं। घर पर पापा से मार खाऊं और बाहर जाके दोस्तों से मजाक उड़वाऊं? अंकित प्लीज मुझे माफ कर दे भाई। गुड्डी, बेल्ट से मार मैंने खाई है, तूने नहीं। कितना नाराज है मुझ से, ये सब मेरी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। ना गुड्डी, तूने कुछ नहीं किया, परेशान मत हो। कुछ नहीं किया था? हाँ, मान जाएगा अंकित, मना लेंगे। आपको इशारों में बात करनी नहीं आती, आप सिर्फ बकबक ही किया करो। मुंह क्यों लटकाया हुआ है, क्या हुआ? पापा ने फिर कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा, वही तो प्रॉब्लम है। सर से मैं बहुत बात करने की कोशिश कर रही हूँ उनसे, पर बात ही नहीं कर रहे।
फोन भी किया, फोन भी नहीं उठा रहा है। ओ, तो पापा का वेट हो रहा है और मुझे ये गलत फहमी कि हमारा इंतजार हो रहा है। अथर, मैं तुम दोनों का वेट कर रही थी, अब तुम आ गए। पापा कब आएंगे उसका वेट कर। मैं आपकी जिंदगी में हमेशा नंबर दो पे ही रहूंगा क्या? अब तुम दोबारा शुरू मत करना। तो वैसे ही तुम्हारे और पापा के बीच में मैं फंस गई हूँ। तुम सुबह नाराज थे और पापा कल से। अब क्या करूं? आपके बिना रहने के ख्याल से भी डर लगता है। वाह भाई वाह, अथर सुजाता और डर, ये कॉम्बिनेशन कुछ सूट नहीं करता। मेरी जिंदगी में सिर्फ आप और माँ दो ही लोग हैं। आप दोनों के बिना अथर सिर्फ एक नाम और कुछ नहीं। तुम मुझे सुजाता चाची के बराबर बिठा रहे हो। मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ और आप दोनों मुझसे, तो हुए ना बराबर के? हाँ, पर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं चाची की तरह तुम्हारी सेवा करूंगी। बेटा, जुट तो गए हो मोहब्बत के कोलों में, अब पता नहीं कितना तेल निकलेगा। पापा, पापा प्लीज प्लीज मुझसे बात कीजिए ना। पापा 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 प्लीज, आप ऐसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पापा प्लीज। बोलने के लिए बचा ही क्या है? मेरे कमरे से बाहर ही रहो। प्लीज
है आपको? मैं 6 साल की थी तब मुझे गुंडा चाहिए था। तब आपके पास पैसे नहीं थे मेरे लिए गुंडा खरीदने के। मैं बहुत रोई, बहुत जिद की, मेरा दुख आपसे देखा नहीं गया। तो फिर अपने हाथों से आपने मेरे लिए ये गुंडा बनाया था। मैंने आज तक जो भी मांगा है पापा, आपने मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की बिना कोई सवाल पूछे। पर आज ऐसा क्यों पापा? आज आप मना क्यों कर रहे हैं? आज आप मेरी जिंदगी सबसे बड़ी खुशी के लिए ना बोल रहे। पापा, मेरी खुशी अधर्म में है। मैं उसके बिना खुश तो क्या जी भी नहीं पाऊंगी। आप मुझे जिंदगी में और कुछ मत दीजिए, अथर को यहां से अपना लीजिए ना पापा प्लीज। अपने हाथों से सजाया है। ये राजा है, गुड्डों का राजा। अभी तुमने कहा कि तुम 6 साल की थी तब मैंने तुम्हें ये बना के दिया था। तब भी मैंने तुम्हें गुड्डों का राजा बना के दिया था। शादी करने की इजाजत मांग रही हो, मैं यार किस नहीं होने दूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।